तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक ऐसी तबाही के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने शायरी की पूंछ पकड़ के कुत्ते की तरह उसे गोल गोल घुमा के फेंका है गांड में। अच्छा, और ये इकलौती एक ऐसी शायर है जिनको सुनने के बाद लोगों की गांडों में से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो आओ यारो, लंडो से हेडफोन निकालो और अपनी अपनी गांडों में डालो। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चल बाजड़ी के कोने में सिमट कर सोना चाहता हूँ, जमाने से छिप कर रोना चाहता हूँ और तुझे भुलाने की ऐसी जिद पकड़ी है, जबरदस्ती किसी का होना चाहता हूँ। भाई साहब दर्द देख रहे हो लोंडिया का, ऐसा लग रहा है कि डोरीमोन का भी दर्द इसकी दुनिया में आके रुक गया है। मुझे तो बस एक सीन याद आ रहा है कि बेटे इनकी गांड में 7.5 साल का डोरीमोन डाल के उसका बम्बोकॉप्टर ऑन करना है। सॉरी माफ करना, ये हमारे ऐसे सेलिब्रिटी का डायलॉग है जिसे हम कभी नहीं भुला सकते। क्यों जिद करी थी मेरी जिंदगी में आने की, अगर हिम्मत ही नहीं थी निभाने की। तो इस लोंडिया की गांड का दर्द देख के तो मुझे ऐसा लग रहा किसी ने इससे प्यार करके इसकी गांड मार दी। और शायरी तो ऐसे कर रही है जैसे उसकी गांडों में भी आगे लग जाएगी। सुन दीदी, वाह दीदी। भैया हम तो बस एक ही बात कहना चाहेंगे, साफ कहना सुखी रहना, जो तुम्हारी प्यार करने की औकात नहीं होती तो तुम क्यों प्यार की गांडे मारती रहती। बात तो तुम्हारी भी ठीक है। लग गई है मुझे किसी की बद्दुआ, वरना वो शख्स मुझसे बिछड़ने वाला तो नहीं था। यार इसने एक बार तो नहीं हर बार अपनी शायरी में प्यार की गांडे तोड़ी। बात तो सही है। जी मैं तो बस एक ही बात कहना चाहूँ कि जो ऐसे प्यार करे ना उसको गंदे नाले में मुंह धोना चाहिए। डम जी इतनी खबर तो होगी तुम्हें कि जब कोई तुमसे प्यार से बात ना करे तो उसे छोड़ देना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सुना है मुझे भूलने की कोशिश में हो, ओ प्यारे ओ, दुआ है कि खुदा तुम्हें कामयाब करे। भाई एक बात बताऊं मैं अपने अकॉर्डिंग, जो मेरे हिसाब से लड़की धोखा जो है ना वो लड़कियां भी देवे हैं, क्योंकि लोंडे जो हैं उनकी हर खुशी में राजी होते हैं और लोंडी अपनी गांड में उंगली करती हैं। फिर बाद में भी दोष लोंडे पे ही आ जावे, क्योंकि वो लोंडा से वो लोंडिया हमेशा मक्खन मलाई की तरह शांत होके बैठ जावे। खैर इमोशनल बातें बहुत होगी सी, चलो आगे चलते। मुझे मोहब्बत करनी नहीं आती है यार, बस तुम्हें देखा और तुम अच्छे। अब ये देख लो जरा, सारा काम है नहीं, लोंडे को नजर मारना स्टार्ट कर दी, अब वो लोंडा भी कुत्ते के जूते में गोबर भर के अपनी नजर उतरवाएगा। और मैं किस छोरी से एक ही बात कहना चाहूँ बेटा, का तू गोबर खा के पैदा हुई, तन्ने इतनी सी भी अकड़ ना है कि जब भी किसी काम को करूँ तो सोच समझ के करूँ। तू भी तो देख इस लोंडे को लेके बैठ गई।